कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आजादी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जारिया खान और आपको वेलकम करती हूं अनदर वेरी एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ खेलो आज़ादी से। जी तो नाज़रीन, आज हमारी जो मेहमान हैं जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि फॉर्मर स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली भी हैं, और इसके अलावा स्पोर्ट्स में तो उनको इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है कि आप जब जानेंगे उनके बारे में बातें और करेंगे हम उनसे KPL के हवाले से बहुत सारी गपशप, तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो आइए चले मिलते हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से। सेंट मैरी स्कूल टू स्पोर्ट्स, बहुत लंबी जर्नी थी, तो स्पोर्ट्स और स्पेशली क्रिकेट आप क्या समझती हैं हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसका? सबसे पहले तो आपने जो चीज़ मुझे याद दिला दी, सेंट मैरीज एंड स्पोर्ट्स। इन फैक्ट सेंट मैरीज में भी जो भी मेरा बचपन या समझें कि सारा स्कूलिंग का, वो भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के हवाले से, बहुत एक्टिवली ऑलमोस्ट इन एवरी गेम, और बहुत से मेडल्स लिए, बहुत सी ट्रॉफीज़ लीं। आपने क्रिकेट की बात की, यकीनन वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर पाकिस्तानी के दिल को बहुत करीब है, और जब भी मैंने बचपन में तो बहुत खेली, लेकिन बहरहाल उसमें ये है कि आज भी अगर क्रिकेट की बात आती है तो एकदम से जो देखें कि गलियों में, हर रास्ते पे, हर उम्र के बच्चे बड़े सब आपको खेलते नज़र आते हैं। पर इस वक्त जो भी अभी तो जो आपका कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से होने जा रहा है, मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट जो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके लिए मैं आपके प्रेसिडेंट को आरिफ मलिक साहब को मुबारकबाद भी देती हूँ, क्योंकि एक कश्मीर इट्सेल्फ जो पाकिस्तानियों के दिल के बहुत करीब है, और उसके बाद एक क्रिकेट के हवाले से कि प्रीमियर लीग हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं समझती हूँ बहुत एक्साइटमेंट, और पूरे मुल्क में जिसकी बहुत ही जिसको इंतज़ार रहेगा, वॉच किया जाएगा, और हमारे यूथ को जिस तरह आप इंगेज कर रहे हैं कश्मीर, वो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और यूथ के लिए इंसेंटिव है जी। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और स्कूल की बात हो रही हो, तो आपका फेवरेट गेम क्या था स्पोर्ट्स? वैसे तो मैं नेटबॉल में बहुत ट्रॉफीज़ हमने, पूरी टीम ने जीते, जो भी इंटर कॉलेज होते थे तो आज यूज़ टू बी द बेस्ट टीम, और हमेशा उसमें हमने बड़ी ट्रॉफी भी जीती। लेकिन टेबल टेनिस, मैं जेवलिन थ्रो में भी रही इंटर कॉलेज, उसमें भी सिल्वर मेडल लिया था, लेकिन टेबल टेनिस, लेकिन उसके अलावा जिमनास्टिक्स में होता था बहुत ज़्यादा, तो वो फिर बहुत सारी उसके अंडर एक्टिविटीज़ थी, हेड स्टैंडिंग और सारे जो होते थे जिमनास्टिक्स के अंदर, लॉन्ग जंप एंड ये सारी चीज़ें, तो बहुत ही एक मैं समझती हूँ कि स्कूलों में उस वक्त जो ये सारी एक्टिविटी, कोई ऐसा गेम नहीं होगा कि जिसको मैंने खेलना या पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पाकिस्तानी क्रिकेट को आप किस नज़र से देखती हैं? मैं समझती हूँ कि एक वक्त था जो बहुत हमारी प्राइड थी, और हम बहुत ही उसमें एक इंटरनेशनली और वर्ल्ड कप, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ जो हमारा तरीक़ेकार है या स्पोर्ट्स को मैनेज करना भी है, और बच्चों की जो ट्रेनिंग का हिस्सा है उसमें इस तरह का वो होना चाहिए कि जिसको हम सस्टेन करें, और ये नहीं है कि किस्मत से शॉट लग जाएगा। तो आई थिंक दैट इज़ मिसिंग इन ट्रेनिंग जो हमारे एथलीट्स की होती है। तो जहाँ तक टैलेंट की बात की जाती है, तो आज तक तो कश्मीर को अभी तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं जहाँ वो अपना टैलेंट दिखा सकें, अपने आप को प्रूव करवा सकें दुनिया में, वर्ल्ड वाइड दिखा सकें, तो KPL उनको ये मौका दे रहा है, ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, तो आप इसको किस नज़र से देखती हैं कि कितना उनके लिए अच्छा साबित होगा ये कदम? देखिए, मैं समझती हूँ दिस इज़ व्हाट वी नीड इन स्पोर्ट्स। इस वक्त ये जो लीग्स की तरफ हमें लेके जाना होगा, और ये जो है ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि यूथ हमारे कश्मीर, देखें कश्मीर के इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक अजीब तरीके से उसको देखा भी जाता है, कभी दहशतगर्दी से लिंक किया जाता है, लेकिन इस तरह इस वक्त जो 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन वहाँ हो रहा है, तो सिर्फ एक हम
मायूसी और एक के सिर्फ आप एक कितनी डिप्रेसिंग किस्म की चीज़ें वो हो रही होती हैं। तो उसके साथ साथ मैं समझती हूँ इस तरफ अगर यूथ को, वहाँ की यूथ को ये देना, बहुत साइकोलॉजिकली हमारे बच्चे वहाँ के डिप्रेस हुए, तो उसमें अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी आएगी जहाँ पे यूथ को वो मौका मिलेगा कि जहाँ पे वो कोई पॉजिटिव साइड, कोई पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। एंड आई थिंक ये स्पोर्ट्स जो है, क्योंकि वो एक हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत अहम रोल अदा करता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म, और जब ये कश्मीर में होगा तो हम सबका फोकस, पूरी दुनिया का फोकस ग्लोबली वहाँ आएगा। मुजफ्फराबाद का क्रिकेट ग्राउंड हो और उस पर ये कॉम्पिटिशन चल रहे हो और वो खूबसूरत जन्नत नुमा वादी में चारों तरफ आपके इतना सीने कितना ब्यूटीफुल वो हो और उधर बीच में ग्राउंड में ये हमारे यूथ ये खेल रहे हों, तो आई थिंक इसका बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा। एंड ये स्पोर्ट्स टूरिज्म के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और इंशाल्लाह कि जब ये इंटरनेशनली हम इसके अभी ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, इस क्रिकेट ग्राउंड पे, और हम चाहेंगे कि यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो और दुनिया से लोग यहाँ आएँ और हमारे क्रिकेट खेली जाए यहाँ पे। तो चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कमेंट्री बॉक्स। आप ये बताइए कि मैं आपको कुछ कोई पिक्चर्स दिखाऊं और आप उन पे कोई कमेंट्स करें। अच्छा। आपका पर्सनली फेवरेट कमेंटेटर कौन है? जी देखिए, मैं अभी वैसे तो बहुत अच्छे हमारे गुजरे पुराने चिश्ती साहब के, बहुत ही मैं वो सुनती थी, लेकिन ये जो इस वक्त ख्वातीन का रुझान इस तरफ जो आ रहा है, ये मैं समझती हूँ ये बहुत खुशाइन है। मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी ख्वातीन हैं और वो इस फील्ड की तरफ भी आएं, और उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है और वो इस तरफ आके इसमें आई थिंक कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। चलें तो फिर आपको मैं 3 पिक्चर्स दिखाती हूँ और आप उनके लिए कुछ अपने कमेंट्स दीजिएगा। तो पहली पिक्चर है सबा कमर। बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, इनके मैंने काफ़ी ड्रामा देखे हैं और डिफरेंट रोल्स में इनको देखा है, तो आई थिंक शी इज़ वेरी गुड अपनी फील्ड में। सना मीर, ये तो हमारी हीरो हैं ख्वातीन के हवाले से क्रिकेट में, और मैं तो चाहूँगी कि उनको चाहिए कि वो एकेडमी अपनी पूरी बनाएं, और हम चाहेंगे कि पीसीबी इनको पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि ये ख्वातीन में भी बहुत शौक पाया जाता है और स्कूल एंड कॉलेजेस में, कि हम ये इनके थ्रू इनको चाहिए कि ये स्कूलों और कॉलेजेस में जाके ये उनको कहें कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि क्रिकेट के मैदान आबाद करें। शीरी मजारी, वेरी हार्ड वर्किंग, और इस वक्त जिस तरह ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, जो कि अब से पहले ज़्यादा आप देखें कि किसी को नाम भी याद नहीं होते थे और ऐसे ही एक साइडलाइन मिनिस्ट्री समझा थी, आई थिंक ये जिस तरह इन्होंने मेन स्ट्रीम में ले आई हैं और इसकी अहमियत को इंटरनेशनली एंड लोकली भी किया है, तो आई थिंक वेरी कमिटेड, हार्ड वर्किंग, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि मैं आपके इससे ज़रूर दूंगी केशी कि वो जो रेड ड्रैग शो करती रहती है टू द बुल, तो वो थोड़ा सा ये है कि आउटबर्स्ट हो कर देती है कभी, तो बहुत आउटस्पोकन है लेकिन दुश्मनियाँ ज़्यादा बढ़ाती हैं। चलिए ये बताइए कि आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन है? मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। पहली ऑप्शन है बाबर आजम, सेकेंड ऑप्शन है इमरान खान, थर्ड ऑप्शन है यूनस खान। जी अब आप तो ऐसा सर जो ऑब्वियसली आंसर होगा कि जो इमरान खान के लिए ही लोग कहेंगे, क्योंकि देखें एक है जिन्होंने वर्ल्ड कप में आपकी उस वक्त टीम का कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो जो रिजल्ट्स लेकर आए तो यकीनन, और जिस तरह उन्होंने उस वक्त न्यूट्रल एम्पायर्स को वीर किया और एक बड़ा मेरिट की तरफ फोकस किया और एक दिल जान से पाकिस्तान के लिए एक एफर्ट की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह के एक वर्ल्ड कप में हमने जीता और बहुत बड़ा नाम वो हुआ, तो यकीनन इस अगर ये इन 3 नामों में से आएगा तो फिर उन्हीं का नाम आएगा। जी ठीक, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? पहली ऑप्शन है बाबर आजम, सईद अनवर या शाहिद आफरीदी।
शाहिद आफरीदी। आपका फेवरेट फिल्म स्टार कौन है, शान शाहिद, हुमायूं सईद या फिर फहद मुस्तफ़ा? फहद मुस्तफ़ा जी, हालांकि मुझे देखने का तो मौका कम मिलता है, पर जो चंद मैंने इनके देखे हैं ड्रॉ में तो बिल्कुल। हिस्ट्री का मोस्ट फेमस क्रिकेटर कौन रहा, सर वेव रिचर्ड, जावेद मियादाद या डॉन ब्रैडमैन? ये मेरा वोट तो जावेद मियादाद के लिए होगा। मैं तो पाकिस्तान के, जाहिर है कि उस वक्त जो हमें वर्ल्ड कप मिला उसमें उनका बहुत अहम रोल था, एंड जिस तरह उन्होंने वो आखिरी वो जो मारा है, छक्का था कि चौका था, पर बहरहाल आई थिंक मियादाद। अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पॉलिटिक्स में देखना चाहें तो किसको देखेंगे, शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम या शुएब मलिक? वसीम अकरम। चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रैपिड फायर। कुछ आपको मैं ऑप्शंस दूंगी, दो दो, उसमें से वेरी क्विक क्विक आपने एक सिलेक्ट करना होगा। स्पीकर ऑफ असेंबली या मिनिस्टर ऑफ आईपीसी? स्पीकर ऑफ द असेंबली। बदीन और इस्लामाबाद? बदीन एनी टाइम। सनसेट और सनराइज? सनराइज। सनराइज। टी और कॉफी? टी। टी। सर्दी या गर्मी? सर्दी। सर्दी। खान साहब? वेरी हार्ड वर्किंग, बट कभी कभी दूसरों का सुन लेना चाहिए। असद उमर? वेरी हार्ड वर्किंग। शेख रशीद? अगेन बहुत ही एक्सपीरियंस हैं पॉलिटिशियन, बहुत पुराने पॉलिटिशियंस हैं एंड लोग उनको वॉच करते हैं जब वो टीवी पे बात करते हैं। जुल्फी बुखारी? अगेन काफ़ी हार्ड वर्किंग एंड उनको मैंने, मतलब एक यंग हैं लेकिन जिस तरह इस वक्त उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस और उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज को जिस तरह एंगेज किया है एंड हमारी रेमिटेंसेस बहुत बढ़ गई हैं, तो आई थिंक अगेन अच्छे एक कैबिनेट मेंबर रहे हैं। एंड आमिर लियाकत? जी बस मेरा ख्याल है कि उन्हें टीवी प्रोग्राम्स ज़्यादा करने चाहिए। क्योंकि आप स्पोर्ट्स की भी काफ़ी अच्छी स्टेक होल्डर रह चुकी हैं, तो KPL के मामले में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये हम सब के लिए कितना अच्छा है और स्पेशली कश्मीर के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होगा ये? जी देखें, कश्मीर प्रीमियर लीग मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और न सिर्फ लोकली ग्लोबली, और जो वो जिस तरह एक यकीनन यूथ को तो इंगेज कर ही रहे हैं, हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और T20 जो मैच के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये इमेज कश्मीर के हवाले से ग्लोबली जाएगा वो बड़ा पॉजिटिव जाएगा। तो मैं उन्हें गुड लक भी कहती हूँ और यकीनन हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हर किस्म का सपोर्ट भी होगा और इस किस्म के इवेंट होते रहने चाहिए, और हमारे यूथ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह कश्मीर में डिफरेंट एकेडमीज़ बने, सिर्फ लड़कों की हद तक नहीं लड़कियों की हद तक भी, हमें लड़कियों को भी इसमें प्रमोट करना है और इंगेज करके उन्हें लाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हमारी स्पोर्ट्स की तरफ आए। तो आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा एंड बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा, कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो, और स्पोर्ट्स तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों को वेंटिंग के लिए भी बहुत एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पोटेंशियल है हमारे बच्चों में, इतना पोटेंशियल है, उसमें ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और पार्टिसिपेट करें। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, करेंगे उनसे ढेरों बातें। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और खेलो आज़ादी से। कश्मीर प्रीमियर लीग, खेलो आज़ादी से। Let's hope.